आज के वीडियो में आपको माधुरी दीक्षित की मदर के फ्यूनरल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सुबह माधुरी दीक्षित के लिए बहुत ही सैड सुबह साबित हुई। माधुरी दीक्षित की मदर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माधुरी जी और उनके हस्बैंड ने ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर की और उन्होंने बताया कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। माधुरी जी की मदर इस समय 90 ईयर्स ओल्ड थी और वो माधुरी के साथ बहुत क्लोज थी। हमने देखा कि किस तरह माधुरी अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उनके साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था और वो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करती थी ताकि वो इस लाइफ को और भी प्लेजेंट बना सकें। आपको बताते चलें कि वो काफ़ी समय से थोड़ी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन माधुरी जी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और उनके साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और माधुरी उनके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती रहती थी। आज माधुरी जी को टूटते हुए हमने देखा। माधुरी जी को जब जब देखा गया है वो बहुत खुश और बहुत हैपनिंग नज़र आई, लेकिन आज उनकी एक झलक ने उनके फैंस को भी उतना ही सैड कर दिया। माधुरी जी के फैंस शायद उनकी माता जी से इतने ज़्यादा जानते नहीं थे, उनसे मिले हुए नहीं थे, उनको बिल्कुल जानते नहीं थे, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन माधुरी जी को इस तरह से देखकर उनके फैंस भी आज ज़रूर रोए होंगे। माधुरी जी ने अपना एक दोस्त, अपना एक बेहतरीन साथी खोया है जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे लम्हे गुजारे हैं। माधुरी जी अपने मदर के फ्यूनरल पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको पहली बार इस तरह से कहीं पर रोते हुए देखा गया है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही थी, वो बहुत इमोशनल थी और उनके हस्बैंड उनके साथ थे जो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि माता पिता का इस दुनिया से जाना एक बहुत ही कठिन मरहला है और इस समय में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। हम आशा करते हैं कि माधुरी जी की माता जी जहाँ भी हों बहुत खुश हों और माधुरी अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ सकें। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।